नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसके अलावा अपने स्टडी का तो ख्याल जरूरी रख रहे होंगे, मतलब स्टडी कर रहे होंगे आप लोग। और मेरे को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि रोशन सा स्टडी पॉइंट से आप लोग स्टडी कर रहे हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में चीज़ें आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो हमारा 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है विद्रोही एवं राज। तो ये पार्ट 4 है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने तीनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख ले। वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सभी वीडियो को आप लाइन से देख सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम समझेंगे, सबसे पहला टॉपिक वो रहेगा विद्रोही क्या चाहते थे। अब देखिए, विद्रोही क्या चाहते थे एनसीईआरटी बुक में देखेंगे ना, तो यहाँ पे 3 टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। एकता की कल्पना वाला जो टॉपिक है इसी में आ जाएगा, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ और वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ये 3 जो टॉपिक है विद्रोही क्या चाहते थे उसी में कवर हो जाएगा। लेकिन विद्रोही क्या चाहते थे उसके बारे में मैं अलग से आपको समझाऊंगा, और एकता की कल्पना यानी कि 1857 के विद्रोह में एकता की स्थापना कैसे की गई थी वहां से एक अलग क्वेश्चन बनता है, तो उसको मैं अलग से समझाने वाला हूं। और बाकी जो उत्पीड़न के प्रतीक के खिलाफ है और वैकल्पिक सत्ता की तलाश है, उसको हम विद्रोही क्या चाहते थे उसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वह है विद्रोह का दमन कैसे किया गया, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है उसको खत्म कैसे किया गया था। और आखिर में हम समझेंगे विद्रोह की छवियां, यानी कि चित्रों से हमें 1857 के विद्रोह के बारे में क्या जानकारी मिलती है। काफी ज्यादा लेंदी है और इसमें लगभग 7 से 8 चित्र है, जिसके माध्यम से हमें 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है, उसको भी हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लेना, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना, शेयर तो जरूर करना, ठीक है। तो चलिए आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार विद्रोही चाहते क्या थे। अब विद्रोही कौन थे? विद्रोही जो थे वो अलग अलग वर्ग से आए थे, किसान, सिपाही, है ना, नवाब यानी कि राजा, ठीक है, शिल्पकार, ताल्लुकदार। हम इन सब की बात करते हैं, ये सब क्या चाहते थे। सबसे पहले हम किसान की ही बात कर लेते हैं। किसान क्या चाहते होंगे? किसान भी तो विद्रोही थे ना, विद्रोह में तो किसान भी शामिल थे। तो अब एक किसान की हम बात करें, आपको पता है कि अंग्रेज ब्रिटिश राज के आने के कारण जो टैक्स है, टैक्स की रकम बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। किसानों का शोषण किया जाता था, है ना, जबरन उनसे टैक्स वसूला जाता था। टैक्स नहीं देते थे तो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता था। तो एक किसान वर्ग की हम बात करें तो उनकी यही डिमांड थी, वही मांग थी कि भाई वो उनका शोषण से जो मुक्ति मिले उनको, है ना। हम किसान की बात कर लें। अब हम बात करते हैं सैनिक। अब सैनिक क्या चाहते हैं? आपको पता है कि भारतीय मूल के जो सैनिक थे उनके साथ कितना ज़्यादा भेदभाव होता था। उनको सही वेतन नहीं मिलता था, है ना, छुट्टियां नहीं मिलती थी, उनका प्रमोशन नहीं होता था, उनके साथ भेदभाव होता था, गाली गलौज तो आम बात थी। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहते थे सिपाही। अब हम शिल्पकार की बात करते हैं। देखिए यार, शिल्पकार वो होते हैं जो कि हाथों से चीज़ों को बनाते हैं। अब भैया शिल्पकार क्या चाहेंगे? देखो, ब्रिटिश राज के आने से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हो क्या करती थी, हमारे देश के जो भी कच्चा माल है उसको ब्रिटेन में लेके जाती थी और वहां से तैयार माल के रूप में बदल के उसी चीज़ को हमारे देश में बेचती थी। जो कि हमारे देश के जो शिल्पकार थे, जो हमारे देश के जो शिल्पकार जिन वस्तुओं को बनाते थे उससे काफ़ी सस्ती होती थी। तो जाहिर सी बात है कि सस्ती होने के कारण लोग उन्हीं वस्तुओं को खरीदेंगे। इससे क्या है कि हमारे भाई शिल्पकार की जो वस्तु है उसको कोई नहीं खरीद रहा है, उनको सही कीमत नहीं मिल रही है। इसके अलावा उनको अपने उत्पादन को बेहतर करने के लिए भी कोई सहायता नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी यार, आप खुद सोचें, ठीक है। तो वो चाहते थे कि भाई उनकी चीज़ें भी बिके, उनको सही कीमत मिले अपनी वस्तु की, और अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार है वो भी उनके उत्पादन में थोड़ा सहयोग करे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले वर्ग की, हम नवाब या राजाओं की हम बात करते हैं। उनकी क्या मांग रही होगी? वो तो यही चाहते होंगे ना कि भाई ब्रिटेन जो ब्रिटिश राज है वो भारत से ख़त्म हो जाए, वो फिर से सत्ता में आ जाए। क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारतीय नवाबों को, भारतीय राजाओं को कमज़ोर बना दिया। तो ये राजा महाराजा ही चाहते थे कि ब्रिटिश राज ख़त्म हो जल्दी से जल्दी और फिर से सत्ता में आ जाए, ठीक है। हम ताल्लुकदारों की या जमींदारों की बात करें तो ताल्लुकदारों जमींदारों की ज़मीनें छीन ली, उनका मेन पावर तो ज़मीन ही था ना, अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीन छीन ली। तो चाहते थे कि भाई उनकी ज़मीनें वापस मिल जाए ताकि फिर से वो पावर में आ सके। तो अलग अलग वर्ग से जो भी विद्रोही थे उनकी क्या चाहत थी, वो क्या चाहते थे, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं एकता की कल्पना। इसमें हम बात करने वाले हैं कि 1857 के विद्रोह में एकता की स्थापना कैसे की गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा,
और आप अगर क्वेश्चन पेपर 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए तो 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर नजर आ जाएगा। इस चैप्टर से काफी ज्यादा मतलब ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है कि 1857 के विद्रोह में एकता की स्थापना कैसे की गई, कैसे सभी वर्गों को एकजुट लाया गया। तो देखिए एकता की स्थापना करने के लिए ना घोषणा पत्र जारी किए जाते थे। अब बहुत सारे घोषणा पत्र विद्रोहियों ने जारी किए। अब विद्रोहियों द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में क्या कहा जाता था लोगों से? लोगों से कहा जाता था कि वो बिना किसी धर्म जाति के भेद किए, मतलब धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव ना करें और सभी लोग इस विद्रोह में शामिल हो बिना भेदभाव किए। ठीक है, ये विद्रोहियों द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में कहा गया था। अब कुछ घोषणा पत्र जो मुस्लिम नवाब थे या मुस्लिम राजकुमार थे उन्होंने जारी किए, लेकिन उन घोषणा पत्रों में ना हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जाता था। उन घोषणा पत्रों में ऐसे शब्द नहीं यूज किए जाते थे जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो इससे भी एकता बनी इसमें। इसके अलावा 1857 का जो ये विद्रोह का जो युद्ध था उस युद्ध को इस रूप में दर्शाने की कोशिश की गई जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर होने वाला था। ठीक है, तो नफा नुकसान बराबर होने वाला तो जाहिर सी बात है कि सभी शामिल हुए इस विद्रोह में। एक पॉइंट आप बता सकते हैं कि बहादुर शाह जफर ने भी क्या किया था, कुछ घोषणा पत्र जारी किए थे लोगों को एकजुट करने के लिए। उन्होंने लोगों को महावीर और मोहम्मद की दुहाई दी थी, कसम दी थी दोनों की, ताकि हिंदू मुस्लिम सब एकजुट आ जाए। महावीर, आपको पता है कि भाई महावीर को, महावीर जैन की हम बात कर रहे हैं जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, हिंदू लोग भी इनको मानते हैं, प्लस में हम पैगंबर मोहम्मद की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दोनों की दुहाई दी और दुहाई देते हुए लोगों को बोला कि वो क्या करे, इस विद्रोह में शामिल हो। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखिए 1857 की ही बात है, दिसंबर 1857 में है ना, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बरेली। बरेली में अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों को भड़काने के लिए लगभग 50,000 रुपये खर्च किए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही। तो इसे समझ में आता है कि एकजुट हो चुके थे लोग और सब विद्रोह में शामिल हो चुके थे। तो ये दो टॉपिक अभी तक हम समझ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं विद्रोह का दमन कैसे किया गया। दमन यानी कि अंग्रेजों ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको खत्म कैसे किया। तो खत्म करने के लिए बहुत सारी नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई थी, जिसमें सबसे पहला है मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ लागू कर दिया पूरे उत्तर भारत में। ठीक है, ये मई जून 1857 की हम बात कर रहे हैं जब उत्तर भारत में मार्शल लॉ को लागू किया गया था। अब ये मार्शल लॉ है क्या, एक ऐसा कानून था जिसके तहत जो छोटे मोटे ब्रिटिश अफसर है, सिपाही है या फिर जो आम ब्रिटिश नागरिक है, उनको भी ये आदेश दे दिया गया था कि अगर किसी व्यक्ति पे, किसी भारतीय व्यक्ति पे शक होता है कि भाई हाँ ये बंदा विद्रोह में शामिल होने वाला है या शामिल हो सकता है या शामिल हो चुका है, तो उसके लिए एक ही सजा थी, सजाए मौत। मतलब मार्शल लॉ में सजाए मौत का प्रावधान किया गया था। सभी ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटिश सिपाहियों को आदेश दे दिया गया था कि वो विद्रोह में शामिल होने वाले व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, सजाए मौत दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे दिल्ली पर दोतरफा हमला। आपको पता है कि भाई दिल्ली का विशेष महत्व था क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी थी, सारी शासन व्यवस्था दिल्ली से ही चलाई जा रही थी, है ना। अब दिल्ली, आपको पता है कि 11 मई को जब विद्रोही दिल्ली पहुंचे थे तो अंग्रेजों को तो वहां से भगा दिया था। दिल्ली जो है वो ब्रिटिश राज से, ब्रिटिश शासन से मुक्त हो चुकी थी, तो अंग्रेज लोग दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे फिर से, और इसके लिए क्या किया, दिल्ली पर दो तरफा हमला किया। एक हमला पंजाब की तरफ से, दूसरा हमला कलकत्ता की तरफ से। ठीक है, और दिल्ली को तुरंत ही जो विद्रोही थे उनसे मुक्त करा लिया गया। तीसरी नीति थी ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियों को मंगाया गया। आपको पता है कि भाई विद्रोही जो थे बहुत ज़्यादा संख्या में थे और जो ब्रिटिश सैनिक की हम बात करें वो तादाद में कम थे, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां मंगाई ताकि इस विद्रोह को खत्म कर सके, है ना। और ऐसा हुआ भी, नई सैनिक टुकड़ी मंगाने से क्या हो गया, अंग्रेज लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए, जो ब्रिटिश सेना है वो ज़्यादा पावरफुल हो गई और इससे विद्रोह को दबाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। चौथा है जमींदारों का प्रयोग, यहाँ पे राजनीति भी खेला उन्होंने, है ना, जमींदारों को लालच दिया, जमींदारों को बोला कि भाई इस विद्रोह को ख़त्म करने में, अंग्रेजों ने बोला कि इस विद्रोह को ख़त्म करने में आप हमारी हेल्प करें, हम आपको क्या कर देंगे, पुरानी जो आपकी ज़मीनें हैं वो आपको हम वापस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ भी, बहुत सारे जमींदारों ने लालच में आके अंग्रेजों की बात को मान लिया और उनकी ज़मीनें वापस कर दी गई। जिन्होंने नहीं माना, बहुत सारे ईमानदार जमींदार थे, वो चाहते थे कि भाई ये विद्रोह सफल हो जाए, हम आज़ाद हो जाए, तो उन्होंने नहीं माना अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को। अब नहीं माना तो उनको मार दिया गया। बहुत सारे जमींदार अपनी जान बचाने के लिए भागे नेपाल, नेपाल में भूख प्यास के कारण दम तोड़ दिया। ठीक है, तो ये तरीके, चार तरीके अपनाए गए थे 1857 के विद्रोह को ख़त्म करने के लिए, विद्रोह को दबा। अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को समझते हैं जो कि है विद्रोह की छवियाँ। इसमें हम बात करने वाले हैं कि 1857 के विद्रोह के बारे में
हमारे को चित्रों से क्या जानकारी मिलती है। चित्र जैसे कि पोस्टर है, कार्टून है ना, बाजार प्रिंट हमारे पास उपलब्ध है उस समय की। तो इन सभी चीज़ों से हमें 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब कुछ चित्र तो भाई अंग्रेजों ने बनाए, कुछ चित्र भारतीय चित्रकारों ने भी बनाए थे। उन दोनों से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस विद्रोह के बारे में हमें क्या पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से कुछ चित्र जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे उसमें क्या है कि विद्रोहियों को जो कुचलने वाले जो अंग्रेज नायक थे उनका गुणगान किया जाता था। मतलब विद्रोही विद्रोह को ख़त्म किया जिन्होंने, उनका गुणगान करते हुए चित्र बनाए गए थे। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे रिलीफ ऑफ लखनऊ। हिंदी में इसका मतलब होता है लखनऊ की राहत। ये चित्र का हेडिंग है, चित्र का नाम है, और इस चित्र को बनाया था टॉमस जोन्स वारकर ने। ठीक है, टॉमस जोन्स वारकर। अब यहाँ पे देखिए, ये चित्र जो है 1859 में बनाया गया था, और यहाँ पे जो लखनऊ में जो घेराबंदी की गई थी उसके ओर इशारा करता है। मतलब लखनऊ में जो अब एक तरीके से विद्रोही की जो टुकड़ियाँ थी उसने लखनऊ पे घेरा डाला था। तो लखनऊ के जो कमिश्नर थे जिनका नाम था हेनरी लॉरेंस, है ना, उन्होंने क्या किया, ईसाई सभी ईसाइयों को इकट्ठा किया और एक बहुत ही सुरक्षित रेजिडेंसी जो था उसमें शरण ले लिया उन्होंने, है ना। बाद में जो लॉरेंस है वो तो मारे गए, परंतु कर्नल इंग्लिस के नेतृत्व में जो रेजिडेंसी था वो सुरक्षित तो रहा। ठीक है, बाद में क्या होता है, 25 दिसंबर के आसपास क्या होता है कि जेम्स आर ट्रम और हेनरी हैवलॉक वहाँ पहुँचते हैं और वो क्या करते हैं, विद्रोहियों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा तितर बितर कर देते हैं विद्रोहियों को। ठीक है, फिर लगभग 20 दिन बाद क्या होता है, यहाँ पे ब्रिटिश टुकड़ियों का एक नया कमांडर है जिसका नाम है कॉलिन कैम्बेवेल। ठीक है, तो जो कैम्बेवेल है वो भारी भारी संख्या में सेना लेकर यहाँ पहुँचते हैं और सबको सुरक्षित बचा लेते हैं। सो गाइस, वॉरकर का जो ये पेंटिंग है जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, वो कहीं ना कहीं कैम्बेल के आगमन के क्षण को दर्शाता है और कैम्बेल को एक हीरो के रूप में दिखाया है। ठीक है, तो ये इस चित्र में आप ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। अब हम अगले चित्र की बात करते हैं। अगला जो चित्र है उसका नाम है इन मेमोरियम। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है स्मृति में, और इसको जो मनाने वाले वो जोजेफ नोएल पेंटेन है। ठीक है, इस चित्र को बनाया है इन मेमोरियम को, इसमें महिलाओं की स्थिति को दर्शाया गया है। कुछ चित्र ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को बिल्कुल डरे हुए सहमे हुए दिखाया गया है। ठीक है, बच्चे औरतें जो है वो सब डरी हुई है, सहमी हुई है, विद्रोहियों के चारों तरफ वो मतलब विद्रोहियों ने उनको घेर रखा है। ठीक है, और वो मतलब अपने अपमान हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रही है। तो ये जो चित्र है वो कहीं ना कहीं दर्शक जो है उनकी कल्पना को झिझोड़ती है, उनके गुस्से और बेचैनी के भावना को कहीं ना कहीं पैदा करती है ना। और इसमें क्या है कि विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर दर्शाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ कुछ चित्रों में औरत को अलग ही तेवर में दिखाया गया है। इसमें क्या है कि वो विद्रोहियों का सामना कर रही है, अपने आप को बचा रही है। इसमें एक एग्जाम्पल है मिस व्हीलर जो है वो क्या कर रही है, अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुला रही है, बंदूक ले रखा है हाथ में और विद्रोहियों को शूट कर रही है। ठीक है, और अपनी इज्जत की रक्षा कर रही है। तो यहाँ पे भी विद्रोहियों को कैसा दिखाया गया है, एक हिंसक दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ एक और चित्र है जिसमें महिला को दिखाया गया है कि मतलब एक महिला है जो कि अपने हाथ में ढाल ले रखा है और दूसरे हाथ में तलवार ले रखा है और विद्रोहियों को काट रही है ना। और यहाँ पे क्या है कि मतलब जो भारतीय औरत है और बच्चे है वो भीड़ में भय से काँप रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से महिलाओं का को मतलब दिखाने की कोशिश की गई है। कौन से चित्र में, ये सब इन मेमोरियम का ही पार्ट है। इसके अलावा दहशत का प्रदर्शन, देखिए कुछ चित्रों में ना चित्र हमें दहशत के प्रदर्शन के एग्जाम्पल को दिखाते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस तरीके से विद्रोहियों को सजा दिया जाता था, जिससे कि विद्रोहियों के अंदर क्या हो, दहशत का प्रदर्शन हो। इसके लिए हम एक चित्र में देखेंगे कि मतलब यहाँ पे चौराहे पे सरेआम खुले मैदान में क्या करते थे, विद्रोहियों को फांसी पे लटका दिया करते थे। ऐसे चित्र भी बनाए गए। कुछ में दिखाने की कोशिश की गई कि भाई जो विद्रोही है उसको तोप के मुंह के आगे बांध दिया और उसको उड़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, दहशत का प्रदर्शन होता था। एक चित्र है जिसमें दया के लिए कोई जगह नहीं, ऐसी बात कही गई है। यानी कि मतलब मान लो कि 1857 का विद्रोह चल रहा है, वहाँ पे विद्रोहियों को मारा जा रहा है, लेकिन कोई ब्रिटिश अधिकारी है, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, ये बोला कि हमें विद्रोहियों के साथ मतलब थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, दयापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो लॉर्ड कैनिंग का मजाक बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल थे उस समय 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, आप इस चित्र में भी देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से विद्रोही के सर के ऊपर हाथ रख रखा है और उसको वो कह रहे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। ठीक है, तो इस कारण इनका मजाक भी बनाया गया था। मतलब दया के लिए कोई जगह ही नहीं है भाई, विद्रोहियों के साथ कोई दया नहीं दिखाना है, ऐसी अपीलें ब्रिटेन में की जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा एक हम कुछ भारतीयों द्वारा बनाए गए चित्र की हम बात करते हैं। भारतीय कलाकारों ने भी कुछ चित्र बनाए थे जिसमें हम झांसी की रानी को देख सकते हैं। झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मी बाई को हम देख सकते हैं, जिसने क्या कर रखा है, एक हाथ से जो घोड़े का जो लगाम है उसको संभाल रखा है और दूसरे हाथ में तलवार ले रखा है और जितने भी अंग्रेज है उनका सफाया कर रही है। ठीक है,
और इसमें हम देखते हैं कि भाई कुछ कविताएं भी लिखी गई, जैसे कि हम बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे ऐसी कविताओं को गाया करते थे जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये सब राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करती थी, ऐसे जो चित्र है वो राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देती थी, जिससे कि लोग और ज़्यादा मोटिवेट होते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। ठीक है, तो ये सारे चित्र हैं जो कि 1857 के विद्रोह में हमें विद्रोह के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि लगभग आपको पूरा चैप्टर एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाऊँ। देखो, बॉक्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो जितने भी बॉक्स हैं ना इस चैप्टर में उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी एनसीईआरटी का जितनी भी लाइन है सारा कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब बस यार आप क्या कर सकते हैं, एक बार खुद से एनसीईआरटी बुक को रीड कर ले। मैं यार कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया हूँ कि भाई एनसीईआरटी बुक को ना आप खुद पढ़ा करो, जब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे या फिर अच्छे से आप आंसर लिख पाएंगे, तो आप यार रोशन भैया को अगर मानते हो, रोशन भैया की बात को मान रहे हो, तो यार कम से कम इतना करो आप। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।